अच्छा जी, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो डिपेंड करता है, इसको इफेक्ट करता है, वो मेटल की क्लास है। बेसिकली मेटल्स की हमने ना टाइप्स बना दी हुई हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बना दी हुई हैं कुछ प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे। इसमें हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे। सबसे पहले हमारे पास एक जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें हमने क्लास ए मेटल्स और क्लास बी मेटल्स बनाई थी, ठीक है। इसी तरह हमने लिगेंड्स की भी क्लास ए और क्लास बी बना दी। हमने कहा कि क्लास ए मेटल्स जो है वो क्लास ए लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाए तो स्टेबल होता है, क्लास बी वाली मेटल जो है क्लास बी लिगेंड के साथ बनाए तो स्टेबल होता है। खैर इसी को चेंज होते होते ना पियर्सन ने एक प्रिंसिपल दिया था, शार्प प्रिंसिपल, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये भी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बेस के चैप्टर में कहीं भी पढ़ा होगा कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो स्टेबल कॉम्बिनेशन होता है ना वो हार्ड का हार्ड के साथ है और सॉफ्ट का सॉफ्ट के साथ है। मसलन जब हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो स्टेबल होती है। इसी तरह जब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो इस कैटेगरी की बुनियाद पे हमने मेटल्स की दो टाइप्स बना दी हुई हैं, हार्ड एसिड्स और सॉफ्ट बेसिस। अच्छा एक बेसिकली एक तीसरी टाइप भी है जो इन दोनों के दरमियान में आती है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो ही टाइप्स हैं। हार्ड एसिड्स क्या होती है मेटल्स, इनको हम क्लास ए मेटल्स भी कहते हैं। पुराना जो क्लासिफिकेशन है उसके मुताबिक इनको क्लास ए मेटल्स कहते हैं और नया जो मॉडर्न से मुराद जो आप यूज करते हैं जदीद, उसको हम हार्ड एसिड कहते हैं। तो हार्ड एसिड बेसिकली मेटल्स कौन सी होती हैं, ऐसी मेटल्स जिनका साइज छोटा हो और जिनका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा हो। ये जो अभी हम ऊपर पढ़ के हैं ये इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो मेटल्स हैं जिनका साइज कम है और जिनका ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, ये हार्ड बेसिस के साथ जो है ना वो अटैच कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करती हैं और इनका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ अगर हम क्लास ए लिगेंड पुरानी क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो एफ ओ एन जिनमें डोनर एटम होना, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम हो, उन लिगेंड के साथ ये जो इनका कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल होता है इनका हार्ड एसिड मेटल का, ठीक है। और जब इनका लिगेंड के साथ बॉन्ड बनता है तो ये आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल ये है कि जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनकी और वो अगर वो हायर ऑक्सीजन स्टेट्स में हो तो उनके अंदर हार्ड लिविस एसिड वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अभी जो आप पढ़ के आए ना फेरम कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक वगैरह मैगनीज वगैरह, ठीक है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि ये जो हार्ड एसिड्स हैं ये हार्ड बेसिस के साथ जो है ना वो रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और इनका जब हम फर्ज करें अगर हम इनका रिएक्शन करवाएं, अमोनिया है और दूसरी तरफ फास्फोरस का है, एक ट्राई अल्काइल फॉस्फेन है, ठीक है। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगी क्योंकि अमोनिया जो है वो यहाँ पे हार्ड बेस है, ठीक है। और जो दूसरे वाला है वो एक सॉफ्ट बेस है, ये वाला जो है वो सॉफ्ट बेस है, ठीक है। तो ये जो तीनों की बात हम कर रहे हैं ये क्या है, हार्ड एसिड है। तो बेसिकली रिएक्शन कब होता है, किसके दरमियान होता है, हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ और सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ होता है। तो ये इस बुनियाद पे हमने इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है हार्ड एंड सॉफ्ट में। इसी तरह हमारे पास सॉफ्ट एसिड होते हैं, ये हार्ड एसिड का उलट होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, इनकी ऑक्सीजन स्टेट कम होती है उनसे, ठीक है। और ये सॉफ्ट बेसिस के साथ बनाती हैं बॉन्ड, या इनको हम क्लास बी लिगेंड्स भी कहते हैं सॉफ्ट लिगेंड्स को, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, मसलन जो नाइट्रोजन से नीचे है फास्फोरस, जो ऑक्सीजन से नीचे है सल्फर, जो फ्लोरीन से नीचे है क्लोरीन, ठीक है। तो ये सारे सॉफ्ट बेसिस हैं, तो इनका कॉम्प्लेक्स बनता है सॉफ्ट मेटल्स के साथ, सॉफ्ट एसिड्स जिनको हम कहते हैं। और इनका जो बॉन्ड होता है ना वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये जो सॉफ्ट एसिड होते हैं ना ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम होता है, ठीक है, इनका चार्ज भी कम होता है। और मिसाल के तौर पर सिल्वर और प्लैटिनम वगैरह है, ठीक है। और ये हैवियर एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जी मनीष, आपसे मेरा क्वेश्चन ये करना था कि बेसिकली हम स्प्लिट उसमें जस्ट कर रहे हैं मेटल एटम को, तो फिर हम हार्ड और सॉफ्ट सर बेसिकली हम इसमें स्टडी कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं ना मेटल एटम को जी, मेटल एटम किस तरह का होगा, तो उसके लिए हम हार्ड और सॉफ्ट ऐसे भी हम बेस का कांसेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं। यार वो जो मेटल है वो एसिड के तौर पे काम करती है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है, ठीक है। हाँ तो उसको उस सेंस में हम एसिड कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। और लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, उसको हम बेस कह रहे हैं। गुड डोनर का गुड एक्सेप्टर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं होगा, ज्यादा इजी नहीं होता, स्टेबल नहीं होगा वो,
उसमें क्या रीजन है, वो जल्दी दे देगा और वो अगला जल्दी दे देगा तो जल्दी स्टेबल हो जाएंगे ये तो नहीं। एक्चुअली वो अगर आप उसको एसेट बेस की सेंस में डिस्कस करने की कोशिश करें, ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि एचसीएल जी जी वो क्या से कह रहा हूँ कि हाँ उसमें ये है कि भाई साल्ट जो होते हैं ना वो आपके पास डिफरेंट तरह के साल्ट होते हैं, एसिडिक साल्ट होते हैं, बेसिक साल्ट होते हैं, न्यूट्रल साल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो उस सेंस में अगर आप बात करेंगे तो जब वो हार्ड हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन होगा ना तो वो साल्ट बनता है ना वो कम्प्लीटली न्यूट्रल नहीं बनता, वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। और दूसरी तरफ जब आप करेंगे तो वो स्टेबल बनेगा, न्यूट्रल बनेगा हार्ड हार्ड का सॉल्ट, लाइक यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक वाला भी, मतलब लाइक अट्रैक्ट लाइक वाला प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें कि ये जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, ठीक है, और ये इनको बी क्लास भी कहते हैं, ये जो हैवियर पी ब्लॉक डोनर जो होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। हाँ कुछ ऐसे भी हमारे पास होते हैं जिनको हम इन बिटवीन कंसीडर करते हैं, उनको ना सॉफ्ट कंसीडर करते हैं ना हार्ड कंसीडर करते हैं, बॉर्डर लाइन केस होता है उनमें। नीचे आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए उनको जो ना वो डिस्क्राइब किया गया है कि ये हार्ड लिगेंड है सारे और ये सारी हार्ड एसिड्स हैं, इसी तरह ये सॉफ्ट लिगेंड और सॉफ्ट सॉफ्ट बेस सॉफ्ट एसिड और ये जो इतना इन बिटवीन आते हैं इनको ना हम सॉफ्ट हार्ड कहते हैं ना क्या कहते हैं ये सॉफ्ट कहते हैं, ठीक है। एसिड और हार्ड बेस का जो कॉन्सेप्ट है ना बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आप यूं ज़हन में रखें कि जो हार्ड एसिड होते हैं ना, मैं एक आपको एक और तरह से इस कॉन्सेप्ट को करता हूँ, आपने शायद ये पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट कि जो होते हैं ना हार्ड एसिड बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होते हैं। हार्ड एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्ट एसिड हैं ये क्या होंगे? ये उनकी निस्बत क्या होते हैं? वीक एक्सेप्टर होते हैं। अच्छा अब दूसरी तरफ जो आपके पास हार्ड बेस होते हैं ना हार्ड बेस ये वीक डोनर होते हैं, पुअर डोनर होते हैं, नहीं मैं बताता हूँ आपको। और जो सॉफ्ट बेस हैं वो क्या होते हैं जी? गुड डोनर होंगे। अब ये क्या बात है, एग्जांपल से मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर एच पॉजिटिव, अगर इसका हम कंपैरिजन करें एन ए पॉजिटिव के साथ, ठीक है ना, तो ये इसका साइज छोटा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इसके अंदर अट्रैक्शन है, इस वजह से ये हार्ड एसिड है और ये जो है वो क्या होगा? सॉफ्ट एसिड होगा। अच्छा दूसरी तरफ डोनर फ्लोरीन और क्लोरीन, इनमें से इलेक्ट्रॉन का अच्छा डोनर कौन सा होगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी, ठीक है ना। बेस वही होता है ना जो इलेक्ट्रॉन का पेयर अच्छी तरह से डोनेट करता है। अब फ्लोरीन जो होता है ना उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम है क्लोरीन की निस्बत, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, ठीक है ना। उसके इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट नहीं करेगा, क्लोरीन उसकी निस्बत जल्दी डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से वो गुड डोनर है और वो पुअर डोनर है। अब होता क्या है, अब जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, कॉम्बिनेशन बनता है जनाब एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर का पुअर डोनर के साथ या बनता है वीक एक्सेप्टर का गुड डोनर के साथ, कि एक की डेफिशिएंसी को एक की कमी को दूसरा पूरा कर रहा है, ठीक है, और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं, सही है। ये बेसिकली जो ना उसका कॉन्सेप्ट है शार्प प्रिंसिपल का, या जिसको हसाव प्रिंसिपल भी कहते हैं, एच ए अगर पहले लगा रहे तो वो इस तरह से बन जाता है। ये बात समझ आई है? अच्छा जी, अभी तक हमने जो फैक्टर्स डिस्कस किए हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, वो सारे के सारे जो थे वो मेटल से रिलेटेड थे, कि जो मेटल होती है या जो एसिड होता है, देखें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो कि इलेक्ट्रॉन की पेयर एक्सेप्ट करती है उससे रिलेटेड थे तीन फैक्टर्स डिस्कस किए।
अब हम जो फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो उनका ताल्लुक लिगेंड के साथ है। लिगेंड आपको पता है वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को है वो हम लिगेंड कहते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड पहला जो है कॉन्सेप्ट जो फैक्टर है वो बेसिसिटी है। बेसिकली लिगेंड आपको पता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, तो अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस का जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको पता है कि बेस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा उसको हम बेस बोलते हैं, ठीक है, और उसी को हम लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर है जो बेस और लिगेंड की डेफिनेशन मिलती जुलती है, तो जो जितना अच्छा बेस होगा वो उतना अच्छा लिगेंड होगा, ठीक है। तो किसी के लिगेंड होने का ताल्लुक उसकी बेसिसिटी के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और यहाँ पे जेन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेशन के साथ साथ यहाँ पे हम लिगेंड को एक और तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली बेस क्या होता है। बेस वो चीज़ होती है जो उसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास, लॉरी ब्रॉन्स्टेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि बेस वो है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। प्रोटॉन क्या होता है जी, एच पॉजिटिव, ठीक है। और ये पॉजिटिव एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, और बेस की, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो इसी जो ना वो प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रखते हुए जितनी किसी लिगेंड की बेसिसिटी ज़्यादा होगी उतना ही उसका जो ना वो बॉन्ड जो है वो लिगेंड के साथ मजबूत होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और उतनी ही वो जो कॉम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी रेफरेंस से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें कि अगर हम 3D सीरीज़ की बात करें, 3D आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह, तो उनके साथ अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो उनके लिए ये ऑर्डर जो है वो होगा कम्प्लेक्स की स्ट्रेंथ का, या यूं कह लें बेसिसिटी का ये ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो इनमें NH3 है, ठीक है। NH3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर H2O है। H2O में आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो डोनर का रोल करेगा, और उससे उसके बाद जो है वो फ्लोरीन आती है, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो है वो अच्छी बेस अमोनिया है, ठीक है। और इस वजह से, और इनमें सबसे, इन तीनों में से सबसे वीक बेस फ्लोराइड है, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो सबसे अच्छा लिगेंट है, और उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई बेसिसिटी पे डिपेंड करती है वो स्टेबिलिटी, ठीक है, जो जितना अच्छा बेस होता है वो उतना ही जो है ना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो अप्लाई होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक में से वैसे कोई कॉम्प्लेक्स अगर बनाए तो, ठीक है, और फर्स्ट रो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स उन पे अप्लाई होता है, और एफ ब्लॉक मेटल आइंस जो होता है उनके ऊपर जो है ना वो ये अप्लाई होता है। बेसिकली हम सिंपली जो हमने पीछे डिस्कस किया है ना, हार्ड एसिड, हार्ड बेस, हार्ड मेटल वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये जो जितने हमने जो बेसिस है ना, हार्ड बेसिस हैं, ठीक है, ये हार्ड एसिड्स के साथ जो ना वो ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है, जिनको हमने क्लास ए मेटल्स कहा हुआ है, जिनको हमने हार्ड मेटल्स कहा हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है हार्ड एसिड हार्ड बेस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिनके मैंने मेंशन किया, अगर एस ब्लॉक के साथ बॉन्ड की बात करें, डी ब्लॉक की फर्स्ट रो के साथ बॉन्ड की बात करें, एफ ब्लॉक के साथ बॉन्ड करें की बात करें, तो यहाँ पे हम यही कहेंगे कि जो ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो उतना ही जो है ना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात ठीक है, सही है, कि जो बेसिसिटी है वही कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास क्लास बी मेटल्स हों, ठीक है, क्लास बी मेटल्स जो हमने ऊपर अभी देखी हैं, तो क्लास बी मेटल्स में क्या होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्लास बी मेटल्स जिनको हम जो ना वो सॉफ्ट बेसिस भी, सॉफ्ट एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड में क्या सूरत हाल हो जाती है कि देखिए, अगर आप जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पढ़े ना, सॉफ्ट और हार्ड का, तो जो सॉफ्ट एसिड्स या बेसिस होती हैं उनके अंदर एक रुझान पाया जाता है कि उनकी बॉन्डिंग जो होती है ना वो कोवलेंट होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग का रुझान पाया जाता है, और जिस भी अंदर शेयरिंग ज़्यादा अच्छी होती है वो उतना ज़्यादा अच्छा स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो जब हम बात करते हैं सॉफ्ट एस्टर्स की, तो उनमें ये वाला जो बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये उलट हो रहा था। मिसाल के तौर पर सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर जो है Ag पॉजिटिव, ये एक सॉफ्ट बेस है, ठीक है। सिल्वर की अगर हम बात करें, ये है जी सिल्वर, सिल्वर जो है वो एक सॉफ्ट एसिड है, ठीक है।
और सॉफ्ट एसेट आपको पता है कि शार्प प्रिंसिपल के तहत सॉफ्ट एसेट जो होता है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनाएं हैलोजेंस के साथ, फ्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स उसका बनेगा आयोडाइड के साथ। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि सिल्वर जो है वो एक सॉफ्ट बेस है और उसका जो कॉम्प्लेक्स जो उसके अंदर जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट जो है ना वो बॉन्ड का रुझान पाया रहता है एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, या यूँ कह लें कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट, ठीक है। तो कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कोवलेंट का रुझान जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयोडीन के अंदर जब हम हैलोजेंस को कंपेयर करेंगे। तो इट मींस कि जो बेसिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अप्लाई होता है हार्ड एसिड्स पे। हार्ड एसिड्स की जब बॉन्डिंग की बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा बेस होगा वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लेकिन ये जो जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सॉफ्ट एसिड्स पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, अब यहाँ पे एक और हमें बात पता चल रही है कि अगर बॉन्ड की टाइप डिफरेंट हो जाए, मिसाल के तौर पर जैसा कि हमने एजी में कहा है कि एजी जो पॉजिटिव है ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग का रुझान है, तो कोवलेंट बॉन्ड का रुझान होने की वजह से क्या होता है कि ये जो स्टेबिलिटी है स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेसिसिटी के, ठीक है, क्योंकि बेसिसिटी जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरफ लेके जाती है, तो स्टेबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है बेसिसिटी के। लेकिन अगर बॉन्ड जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट हो या आयनिक हो तो फिर जो है वो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी के। जितना ज़्यादा अच्छा बेस होगा उतना ज़्यादा स्टेबल उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड भी अफेक्ट करती है, मतलब बॉन्ड की टाइप कौन सी होगी और लिगेंड कौन सा होगा, उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, ये भी डिफाइन करती है कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को। अच्छा, अब एक अगला जो लिगेंड के जो ना वो सूरत हाल में अगर हम देखें लिगेंड के हवाले से, तो जो लिगेंड पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जो बैक डोनेशन जिनमें होते हैं, ये अपने हमने पढ़ा हुआ पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स में, ठीक है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर हमने इसकी सबसे मशहूर एग्जाम्पल जो है वो पढ़ी हुई है कि ये जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, लाइक ये है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक मतलब इस तरह से भी हम इसको शो करते हैं CO, ठीक है। तो ये जो CO है ये एक जो है ना वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड किस तरह से है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट भी करता है मेटल को और फिर जो है ना वो एक्सेप्ट भी करता है। एक्सेप्टेंस जो होती है मेटल की तरफ से वो इसके साथ इसका बनता है पाई बॉन्ड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मेटल को डोनेट करता है और फिर मेटल इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको दे सकती है और इनके दरमियान बेसिकली डबल बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। तो जो लिगेंड जो है ना वो मेटल के साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं जिनके अंदर, जिनको हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स कहते हैं, इनके ऊपर हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, हमारा यहाँ पे इसका एक लेक्चर भी मौजूद है व्हाट आर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, इसको समझने के लिए आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, इस पर हम मजीद इस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के पाई एक्सेप्टर जो हैं लिगेंड्स उनके जो है ना वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे वो लेक्चर मौजूद है, ठीक है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम कहेंगे सिंपल कि जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं उनके बॉन्ड जो है ना वो बड़े मजबूत होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, साइनाइड आ जाता है, नाइट्रो जो है ना वो आ जाता है, एनओ उसमें आ जाता है, तो ये सारे पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स हैं। तो जो बैक डोनेशन जिनमें होती है पाई एक्सेप्टर होते हैं, पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, तो ये इनकी भी स्टेबिलिटी जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, अच्छा, बाकियों की निस्बत। तीसरा जो इफेक्ट है वो चिलेट इफेक्ट है। चिलेट क्या होता है? चिलेट एक ऐसा लिगेंड होता है जो रिंग बनाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये एक हमारे पास इथाइलीन डाई अमाइन है जो ना वो एक लिगेंड है। ये इथाइलीन डाई अमाइन जो है वो अपने दो एटम्स की मदद से इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है एक मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को, मतलब यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे देखिए एक रिंग बना दी है इसने, 5 मेंबर रिंग, 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो चिलेट ऐसे लिगेंड होते हैं जो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो रिंग बनती है, जिसकी वजह से हम इसको चिलेट का बेसिकली आपको पता है जो लफ्ज़ है चिलेट का, ये जो ना वो डेंटेट से डिराइव्ड है, मतलब दांत, जैसे कोई चीज़ जो ना वो किसी में पेवस्त कर देना
उसमें चबो देना। तो ये इस तरह से होता है कि इसमें एक से ज्यादा जगह से ये मेटल के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं, इनमें ट्राइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो दो जगह दो एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके तीन करते हैं, ट्राइडेंटेट करते हैं, टेट्राडेंटेट भी करते हैं, इथाइलीन डाइमाइन टेट्राएसीटेट EDTA। तो चिलेट वो होते हैं जो एक ही मेटल एटम के साथ जो है ना वो एक से ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, और इनको मल्टी डेंटेट कहते हैं। मल्टी डेंटेट मीन इनके बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको एक चिलेट की एग्जांपल दी हुई है, एक तो ये है इथाइलीन डाइमाइन जो है ना वो एक चिलेट है। इथाइलीन डाइमाइन क्या होता है कि आपके पास जो है वो एक बेसिकली एक इथीन है या इथाइल ग्रुप है, उसके साथ एक अमाइन लगे हुए हैं, उसको हम इथाइलीन डाइमाइन कहते हैं। ठीक है, ये जो इथाइलीन डाइमाइन है ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, और ये बाइडेंटेट लिगेंड जो ना वो इस तरह से कि ये दो इलेक्ट्रॉन के पेयर एक ही मेटल को डोनेट कर सकता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे शो किया गया, यहाँ पे ये वाला, सही है ना। तो ये इसका जो कॉम्प्लेक्स है ये यहाँ पे कि ये इसने कॉपर के साथ चार बॉन्ड बनाए हुए हैं और दो लिगेंड सिर्फ यहाँ पे यूज हुए हैं। एक दूसरा जो ना वो चिलेट ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, और ये ऑक्सलेट आयन जो है ना ये भी चिलेट के तौर पे काम करता है। इसका एक कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ आयरन ऑक्सलेट जो है ना वो शो किया गया है, ट्राई ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये चिलेट होते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स हैं वो ऐसे लिगेंड होते हैं जो सिर्फ एक जगह पे इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं और एक ही साइड पे मेटल के साथ जो है वो बाइंड होते हैं। उनके एग्जाम्पल क्लोराइड है, साइनाइड है, वाटर वगैरह जो है ना सारे के सारे नॉन चिलेटिंग लिगेंड्स। तीसरे वाले का नाम क्या है? किसका? तीसरे वाले का, ये वाला ट्राइऑक्सलेटो आयरन होगा ये। सर ये किस तरह से बॉन्ड बना रहा है? ये तो तीन अलग-अलग नहीं है कि एक ही है? ये तीन लिगेंड अटैच है, ये एक, ठीक है, ठीक है, इधर से ये वाला दो दो है और ये वाला तीन है। सर ये फिर ये किलेट किस तरह बने, क्योंकि ये तो एक एक लोन पर डोनेट कर रहे हो, एक एक साइड से ही है। दो दो कर रहे हैं यार, दो दो नहीं कर रहे, ये दो दो बॉन्ड बने हुए इनके। ठीक है ठीक है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये है, एक ये है। देखिए ना, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाले दोनों ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर के तौर पे यहां पे काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब चिलेटिंग और नॉन चिलेटिंग का हमें पता चल गया। चिलेटिंग लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करते हैं, और ऑब्वियसली जब एक चिलेट मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो रिंग बनेगी, सही है ना, वो एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, अब हमने ऑब्जर्वेशन मारी ये है कि जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर चिलेट पाए जाते हैं उनके लिए जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर जो ना वो चिलेट इफेक्ट नहीं होता, मतलब जिनके अंदर चिलेट नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है कि देखिए आपके पास एक मेटल एटम है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक मेटल एटम है, इसके साथ अगर आप चार जो ना वो लिगेंड अटैच करते हैं मोनोडेंटेट, या आप इसके साथ अटैच करते हैं दो चिलेट जो ना वो अटैच करते हैं जो के बाइडेंटेट हो, ठीक है ना। अच्छा, तो दोनों में आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स तो सेम बनते हैं लेकिन दोनों के लिए जो स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो ज्यादा होती है चिलेट वाले में, और इसमें क्या होती है वो लेस होती है, ठीक है। तो ये चिलेट इफेक्ट है। तो अच्छा, एक इसमें ये कि जब आपने चिलेट इफेक्ट को स्टडी करना है तो हम क्या करते हैं कि रिएक्शन करवाते हैं किसी एक ही मेटल का चिलेटिंग रिएजेंट के साथ और एक सादा जो लिगेंड है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। और मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों रिएक्शन में सेम रहना चाहिए। मसलन अगर मेटल चार बॉन्ड बनाती है तो चिलेट के साथ भी चार बॉन्ड बनाने चाहिए उसको, और लिगेंड के साथ भी चार बॉन्ड बनाने चाहिए। वो अलग बात है, एक चिलेट एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो वो चिलेट कम यूज होंगे, लिगेंड ज्यादा यूज होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो डोनेटिंग ग्रुप है वो भी एक जैसे ही होनी चाहिए। आगे मैं आपको उसको बताता हूँ क्या मतलब है इसका, ठीक है। और दूसरी बात यह है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होना चाहिए, सही है। तो मिसाल के तौर पर जब आप कंपेयर करेंगे मेटल आयन का चिलेटिंग एजेंट, तो आप यूज करते हैं फर्ज करें 1,2-diaminoethane जिसको हम इथाइलीन डाइमाइन या EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो वो अमोनिया से करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि इन दोनों में जो डोनेटिंग एजेंट है वो नाइट्रोजन है या अमाइन ग्रुप है। मसलन देखे ना कि ये NH2 अमोनिया के साथ करवा देते हैं आप मेटल का रिएक्शन,
ठीक है, या आप करवा देते हैं मेटल का रिएक्शन H2N इथाइलिन डाइमाइन के साथ, तो दोनों दोनों सूरत हाल में, दोनों सिचुएशंस में जो डोनेटिंग ग्रुप है वो नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन है और जो ग्रुप है वो अमाइन ग्रुप है, ठीक है। अब मतलब हमने जब कंपैरिजन करना होता है तो हमने मिलती जुलती चीजों को कंपेयर करना होता है, जो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजों को हम कंपेयर नहीं करते, ऐसी चीजों को कंपेयर करते हैं जिनमें मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि जिनमें कोई ना कोई कॉमन जो ना वो प्रॉपर्टी मौजूद हो, जिनमें कोई कॉमन चीज पाई जाती हो उनको कंपेयर करते हैं। अब इनको कंपेयर करने का मकसद क्या है कि जो बेसिसिटी है ना इनकी, हमने अभी बेसिसिटी का एक फैक्टर पढ़ा था कि भी बेसिसिटी भी जो है वो उसको इफेक्ट करती है, तो इथाइलिन डाइमाइन की और अमोनिया की बेसिसिटी सेम सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अमोनिया से बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कम स्टेबल है, ठीक है, और जो इथाइलिन डाइमाइन से बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसकी क्या रीजन है, तो मतलब दोनों में जी सर समझ नहीं आई, ये चिलेटिंग एजेंट हम ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए चिलेटिंग एजेंट क्या है, एक मेटल है, ठीक है, उस मेटल वो मेटल 6 बॉन्ड बना सकती है। यहाँ पे देखें कि एक मेटल है, वो मेटल जो है वो 6 बॉन्ड बना सकती है, फर्ज करें 1, 2 या 4 बना सकती है। अब इन 4 पे आप 4 मुख्तलिफ लिगेंड भी अटैच कर सकते हैं, तो ये जो होता है ना मेटल है फर्ज करें ये 4 बॉन्ड बना सकती है, 4 लिगेंड अपने साथ अटैच कर सकती है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सही है ना। तो अब आप ये 4 इसकी जो पोजीशन है वो 4 मुख्तलिफ लिगेंड्स भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है, 4 मुख्तलिफ लिगेंड भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या आप इन 4 की जगह पे 2 ऐसे जो ना वो चिलेट ऐड कर सकते हैं जो कि हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करने की सलाहियत होती है। मेटल को तो 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर चाहिए, वो चाहे कहां से आ जाए, वो चाहे आ जाए जो ना वो 4 लिगेंड से आ जाएं या वो जो इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं वो 2 जो है वो चिलेट से आ जाएं, ठीक है, इस तरह से भी बॉन्डिंग। अब यहाँ पे भी 4 बॉन्ड ही बने हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो 4 बॉन्ड है वो 2 मॉलिक्यूल ने बनाए हैं, 2 लिगेंड्स ने बनाए हैं, और ये वाला जो लिगेंड है जो 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, इसको हम चिलेट बोलते हैं। गुलनाज समझ आई इसकी? पर हमने ये पढ़ा होगा कि अगर लिगेंड जो वो बॉन्ड बनाता है मैटर के साथ तो बैक डोनेशन होगी, क्या चिलेट में भी बैक डोनेशन होगी? अगर चिलेट पाई एक्सेप्टर है तो फिर हो सकती है। सारे चिलेट पाई एक्सेप्टर नहीं होते? नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसकी रीजन की तरफ कि ऐसा क्यों होता है, लिगेंड वाला जो है ना वो स्टेबल नहीं है लेकिन चिलेट वाला जो है ना वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। तो उसकी रीजन सिंपल सी है, एंट्रोपी, ठीक है ना। एंट्रोपी आपको ये रिएक्शन नजर आ रहा है, ठीक है, कि पहले रिएक्शन में निकल का जो वाटर में उसका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो ना वो हेक्सा एक्वा निकल वाला, ठीक है, तो उसके साथ 6 अमोनिया अटैच हो रहे हैं और उसके नतीजे में ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है हेक्सा माइन निकलेट जो ना वो जो भी इसका आयन बन रहा है। उसके दूसरी तरफ ये हेक्सा एक्वा निकलेट है और दूसरी तरफ उसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है 3 इथाइलिन डाइमाइन के साथ। आपको पता है कि 1 इथाइलिन डाइमाइन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन से, सही है। तो अब यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो दूसरे वाला रिएक्शन हुआ है, ये वाला जो रिएक्शन है इसके लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा है और पहले वाले के लिए स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, कम है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन हम ये बता रहे हैं कि भाई दूसरे वाले रिएक्शन में एंट्रोपी में चेंज ज्यादा आया है पहले वाले की निस्बत, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव एंट्रोपी ज्यादा हुई है पहले वाले की निस्बत, जिसकी वजह से जो है ना उसमें जो ना वो ज्यादा स्टेबल है, उसमें स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा है पहले वाले की निस्बत, ठीक है। ये कैसे है, इसके लिए आप नेक्स्ट देखें, ये वाली इक्वेशन देखें, हमने पहले वाले रिएक्शन में क्या हुआ, ये यहाँ पे उसने रिएक्शन की तरतीब उलट दी है कि जब इथाइलिन डाइमाइन के साथ रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स में 4 मॉलिक्यूल हैं, प्रोडक्ट में 7 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं ना, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट में 4 थे, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की तादाद में ज्यादा इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें डेल्टा एस जो है वो क्या है, पॉजिटिव है,
इंक्रीज हुआ है। दूसरी तरफ क्या है, इधर भी सात मालिक्यूल है, इधर भी सात मालिक्यूल है, तो इसमें जो ना वो डेल्टा एस ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो चेंज इन एंट्रोपी इसमें नहीं आया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये वाला जो है वो इसमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कम है और दूसरे वाले में स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये हमने वो पढ़ा था जब हमने वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को डिफाइन किया था, उसमें थर्मोडायनामिकल इफेक्ट एक इक्वेशन पार्ट ऑफ इक्वेशन में हमने डिस्कस किया था कि जितनी एंट्रोपी ज्यादा पॉजिटिव होगी उतना जो ना वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। जी सर, अगर डेल्टा किसी भी कंपाउंड का या किसी भी कॉम्प्लेक्स का फाइंड करना तो किस तरह फाइंड करेंगे? डेल्टा एस जी जी, ये जो आपने अभी बताया कि ऊपर वाले का इक्वेशन पढ़ी थी ना, ठीक है, ये वाली एक आपने पढ़ी थी कि जो ना वो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्रोपी। ठीक है, और आप या ln of k into rt भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, वो किसी भी तरह से आप, आपको एंथैल्पी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, तो ये चीजें चाहिए तो आप, या गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए तो आप उसके लिए डेल्टा एस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। समझाइए। अच्छा, तो अब चिलेट इफेक्ट में एक और चीज है कि हमने कहा कि भाई चिलेट ऐसे लिगंड होते हैं जो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर जो है ना वो डोनेट कर सकते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन के पेयर की डोनेशन ज्यादा होगी, मतलब अब वो वाली बात आ गई है कि एक जो चिलेट है वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है उससे भी स्टेबिलिटी में फर्क आ रहा है। लिगंड के साथ कंपेयर करेंगे तो तब नहीं आता। हाँ, इसमें चिलेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि एक चिलेट जो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करता है, दूसरा तीन करता है, एक चार करता है, पांच करता है या छह करता है, जिसमें जिस चिलेट में इलेक्ट्रॉन के पेयर की डोनेशन की तादाद जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक बना हुआ है इथाइलीन डाइमाइन टेट्रासिटेट आयन है, ये एनाइन बना हुआ है। ठीक है, इसको हम ई डी टी एनाइन कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर माइनस फोर चार्ज है ई डी डी ए। ठीक है, ये इथाइलिन डायमाइन टेट्रासिटिक एसिड होता है, उसमें हमने एच निकाले हुए हैं चार, और इसके चार जो है ना उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब ये जो ई डी टी ए एनाइन है ना, ये हेक्साडेंटेट है, छह इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट कर सकता है। ये जहां जहां से मैंने इसको इनसर्कल किया है, ये छह के छह पॉइंट से इलेक्ट्रॉन के पेयर एक मेटल को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डोनेशन एक ही लिगेंड से होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये इंतहाई स्टेबल होगा और जो ना वो उसकी स्टेबिलिटी जो ना वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फैक्टर आ रहा है। जी मनीर सर, काइंडली तरह पीछे वाली स्लाइड कीजिएगा, वहाँ दो क्वेश्चन मैंने आपसे करना थे। जी, इसमें आप देखें चार ऑक्सीजन है चारों कोनों पे और सेंटर में दो नाइट्रोजन, ऐसे ही है जी। तो सर ये किस तरह जाकर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ या किसी मेटल के साथ लगेगा? इसका 2D स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। और सर दूसरा, जब हम इसे चिलेट की बात करते तो क्या हम इन्हें मास्किंग एजेंट बोल सकते हैं? मास्किंग एजेंट जी, यानी ज्यादा तरह से चिलेट मास्किंग एजेंट के तौर पे काम करता है, मतलब कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ठीक है ना, सर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि मुझे बुक का भी नाम नहीं याद जी, कि ये जो चिलेट होते हैं ये भी मास्किंग एजेंट होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा तरफ से स्ट्रांग कर लेते हैं, चिलेट हो सकते हैं। ठीक है, मास्किंग एजेंट हो सकते हैं। मास्किंग एजेंट का काम क्या होता है कि आपने किसी रिएक्शन में एक चीज है, रिएक्टेंट है, आपने उसको, आप चाहते हैं कि वो इस रिएक्शन में हिस्सा ना ले, ठीक है, या उसमें कोई चेंज ना आए, तो आप उसके ऊपर कोई ढक्कन दे देते हैं कि वो उसके उसके ऊपर कोई रिएक्शन का असर नहीं होता। वो जो ढक्कन है वो मास्किंग एजेंट है, मास्किंग एजेंट उसके साथ जाके वक्ती तौर पे बांड बना लेता है और वो वक्ती तौर पे जो ना वो इंगेज हो जाता है एटम, और वो दूसरे रिएक्शन में उसके लिए जो भी हो रहा है उसमें हिस्सा नहीं लेता। जब वो रिएक्शन कम्प्लीट हो जाता है तो आप मास्किंग एजेंट उतार देते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक मास्किंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो चिलेट मास्किंग एजेंट के तौर पर काम कर सकता है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस में हम चिलेट्स को एज ए मास्किंग एजेंट यूज करते हैं। ठीक है, सर लास्ट में मैंने क्वेश्चन आपसे ये करना था कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हमें ये देखना हो कि जरा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, बिलफर्ज चिलेट वाला ज्यादा है कि लिगेंड वाला ज्यादा स्टेबल है, तो किस तरह से उसका हम डिटरमाइन करेंगे ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट?
ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट वो आप उसकी इंथैल्पी वगैरह को देखेंगे ना, इंथैल्पी चेंज को नोट करेंगे, आप कंपैरिजन करते हैं बेसिकली दो रिएक्शंस में, ठीक है जी सर, ऐसे ये कंपैरिजन तो अगर इंथैल्पी नेगेटिव है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो उसका भी ये मतलब है कि ये जिसमें ज्यादा रिलीज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ठीक है, तो उसमें एक ये भी फैक्टर आता है। ओके सर। अच्छा, और ये ADTA के हवाले से हमने देखा, उसके बाद ये आ गया, आगे एक टेबल ये मैंने दिया हुआ है एक जगह से, तो ये मुख्तलिफ उसने कंपैरिजन किए हुए हैं, ठीक है ना, बाइडेंटेट लिगेंड्स के, ये पिरिडीन और बाई टू टू बाई पिरिडीन है, ठीक है, ये भी ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, ये वाला ये एक सिंपल मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये चिलेट है, इसी तरह अमोनिया और ये इथेन 1-2 डाइमाइन जिसको हम EN इथाइलीन डाइमाइन कहते हैं, इन दोनों में कंपैरिजन दिया हुआ है कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जो वो ज्यादा होती है कैसे, ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप कंपेयर करते हैं इस वैल्यू को, यहाँ पे 3.5 है, इसके लिए 6.9 है, यहाँ पे 5.6 है, इसमें 13.6 है, 9.8 है, 19.3 है, ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसके लिए वैल्यूज जो होती हैं वो क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। साइज ऑफ चिलेट रिंग एक दूसरा फैक्टर, चिलेट तो हमने पढ़ लिया कि भाई चिलेशन जब होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, ठीक है, अब चिलेशन में भी आगे जो एक फैक्टर आ जाता है वो साइज ऑफ रिंग का है। अब चिलेट जो होता है ना वो मुख्तलिफ साइज के चिलेट जब बॉन्ड बनाता है ना, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है, तो लाजमी तौर पे उसमें रिंग बनती है। अब उसका रिंग का जो साइज क्या होगा, उसमें कितने एटम्स होंगे, ठीक है, तो उस पर भी जो ना स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो जनरल ऑब्जर्वेशन ये आती है, जो कि वैसे भी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है ओवरऑल केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ते हैं ज्यादा, कि 5 और 6 मेंबर जो रिंग्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर रिंग्स, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम इसको बेंजीन के रेफरेंस में या दूसरी चीजों में पढ़ते हैं, आपने इसको वो पढ़ा हुआ है टॉर्शनल स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन, उसके रेफरेंस से कि ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, उसमें आपने जब आप पढ़ते हैं ना वो क्या यार वो उसको कहते हैं जी सर, वो चेयर डिफॉर्म स्कैटर डिफॉर्म स्टीरियो केमिस्ट्री में ना, बोट फॉर्म, आप उसका कंफर्मेशनल एनालिसिस पढ़ते हैं तो वहां पे आप इसको डिस्कस करते हैं कि ये जो ना वो क्यों ज्यादा स्टेबल है बाकियों से, ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पे भी वो जनरल ट्रेंड तो एक तरह से फॉलो होता है कि 5 मेंबर और जो 6 मेंबर रिंग्स होती हैं वो बाकी रिंग्स के निस्बत ज्यादा स्टेबल होती हैं चिलेट्स की बात करें तो। मिसाल के तौर पर उसने एक बड़ी सादा सी एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कंपाउंड है जिसमें NS2 जुड़ा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ भी NS2 है, ठीक है, मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है। अब इसके दरमियान में जो नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स है ना ये हम वेरी कर सकते हैं, मतलब 2 CH2 लगाएंगे तो इथाइलीन डाइमाइन बन जाएगा, 3 लगाएंगे तो वो जो ना वो क्या उसे बोलेंगे प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है ना, 1-3 डाइमाइन प्रोपेन बन जाएगा, अगर 4 लगाएंगे तो वो 1-4 बन जाएगा डाइमाइन ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये है कि आपके पास नंबर जो लिगेंड्स हैं सॉरी वो डोनेट करने वाले एटम्स हैं वो सेम है, ठीक है, सिर्फ एटम्स की तादाद दरमियान वाले एटम्स की तादाद चेंज हो रही है, ये तादाद चेंज होने से क्या होगा रिंग का साइज चेंज हो जाएगा, मसलन ये मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, मिसाल के तौर पर देखिएगा कि फर्ज करें इसको मैं ऐसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें 2 CH2 जुड़े हुए हैं, ठीक है, और साथ एक N जुड़ा हुआ है, तो ये जो रिंग बनेगी ना मेटल के साथ ये 5 मेंबर रिंग बनेगी, आपको नजर आ रहा है 5 मेंबर रिंग है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे 1 CH2 का इजाफा कर देंगे, ठीक है, तो 1 CH2 के इजाफे से क्या होगा वो जो रिंग है वो बन जाएगी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, कैसे, ये N आ गया और आपके पास ये N आ गया और यहाँ पे आपके पास मेटल आ जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली आप सिर्फ इनकी तादाद चेंज करेंगे तो आपके रिंग की जो ना वो साइज है वो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे हम एग्जाम्पलीफाई करने लगे हैं कि हमने एग्जाम्पल ली है एक हाइपोथेटिकल लिगेंड की
जिसमें हम CH2 ग्रुप्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, मसलन NH2 है, CH2N है और NH2 N की वैल्यू 2, 3 और 4 हो सकती है, ठीक है। तो जब हम इनमें देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल रिंग होती है ना वो 5-member रिंग होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर N की वैल्यू 3 हो तो 6-member रिंग बनती है, वो 5-member रिंग से जो ना वो थोड़ी कम स्टेबल होती है, ठीक है। अच्छा हाँ, लेकिन जब आप के पास एक ऐसा लिगंड आ जाए जिस लिगंड के अंदर दो चीजें हैं, अनसेचुरेशन हो और कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, कॉन्जुगेशन और अनसेचुरेशन हो, तो उस लिगंड के लिए जो ये वाला रूल है ना 5-member ज्यादा स्टेबल होने वाला वो फॉलो नहीं होता। उसमें क्या होता है कि 6-member रिंग जो होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कि जो सिंगल बॉन्डेड लिगेंड्स हैं, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, जिनके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ना कोई कॉन्जुगेशन है, ऐसे लिगेंड्स के लिए 5-member रिंग ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन जब आपके लिगेंड के अंदर अनसैचुरेशन हो, कॉन्जुगेशन हो, ठीक है, तो उस ऐसे लिगेंड्स के अंदर क्या होगा, ऐसे लिगेंड्स के लिए 6-member रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू 5-member रिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे दो फैक्टर इकट्ठे डिस्कस हो रहे हैं जी मुनीर। तो एक में क्या लगेगा, कंजुगेशन है या अनसैचुरेशन है, और दूसरा सिंपल है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगी? नहीं देखिए, यहाँ पे जो हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर एक लिगेंड जो अनसैचुरेशन कर सकता है, जिसके अंदर कंजुगेशन है और अनसैचुरेशन है, ठीक है, वो प्रेफर करेगा कि 6-member रिंग बने, ठीक है। और अगर एक ऐसा लिगेंड है जिसके अंदर अनसैचुरेशन भी नहीं है और कॉन्जुगेशन भी नहीं है, वो प्रेफर करेगा कि 5-member रिंग बने। मेरे रिस्पेक्टेड सर, आप मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि देखें, एक हमारे पास सिंगल कैलर रिंग है जिसमें अनसैचुरेशन नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगी या वो वाला लिगेंड ज्यादा स्टेबल होगा या चिलेट? तो एक जो जिसमें सैचुरेशन है, तो दोनों में से स्टेबल कौन होगा? देखिए मैं अगेन वही बात आ जाती है कि जब हम कंपेयर करते हैं, हम सिमिलर चीजों को कंपेयर करते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो रिएक्शन टू रिएक्शन वैरी करेगा, सही है ना। मतलब मैं जो कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर आपके पास ये मेटल है, ठीक है, और आपके पास जो लिगेंड है ना, एक लिगेंड आपके पास है, फर्ज कर लें एन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी एन है, या यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, सही है ना। अच्छा, अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना लिगेंड का, आपको नजर आ रहा है कि इसमें कॉन्जुगेशन भी है और अनसैचुरेशन भी है, ठीक है। अब ये वाला जब मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसकी कोशिश होगी कि जो रिंग बने वो 6-member रिंग बने। मिसाल के तौर पर आपको ये एग्जांपल नजर आ रही है कि देखें, इसमें 6-member रिंग बनी है, दो एटम्स आउट ऑफ द रिंग चले गए हैं, उनको आउट ऑफ द रिंग भेजने की पीछे रीजन क्या है कि इसको 6-member रिंग जो है ना वो ज्यादा स्टेबल बनती है, और 6-member रिंग यहाँ पे वो ना प्रेफर करता है कि 6-member रिंग बने, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास लिगेंड ही ऐसा है जिसमें अनसैचुरेशन भी नहीं है, जिसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है, तो ऐसा लिगेंड जो होता है ना वो 5-member रिंग बनाता है, ठीक है। तो मतलब हम या तो सैचुरेटेड और लेते हैं, या हम लेते हैं अनसैचुरेटेड और कॉन्जुगेशन वाला, ठीक है। तो उसमें हम मुख्तलिफ लिगेंड्स को कंपेयर करेंगे कि जिसमें ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी, जिसमें अनसैचुरेशन ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, कि जिसमें अनसैचुरेशन कम है वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो फिर हम कंपैरिजन करेंगे उनका आपस में। ओके सर, तो मतलब जो आपका क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि 5-member को 6-member के साथ कंपेयर करना, तो दोनों की सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों का कंपैरिजन नहीं बन रहा, सही है ना। एक में जो ना वो सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है, और साथ कंजुगेटेड है। फैक्टर है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट है। मैक्रोसाइक्लिक जो ना वो एक स्पेशल तरह का लिगेंड होता है, जो कि एक साइक्लिक मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, जिसके अंदर जो ना वो 9 या इससे भी ज्यादा एटम होते हैं। मैक्रो का लफ्ज़ ही बड़े के लिए यूज होता है, बड़ा एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है, और उसके अंदर अंदर वाली साइड पे जो ना वो डोनर एटम होते हैं जो कि मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है ये जब मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन करता है तो ये बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबल होता है। इसको यहाँ पे देखें, ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है, ये मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सही है ना, ये वाला इसने इंटरनल साइड पे कोऑर्डिनेशन की हुई है, इंटरनल साइड पे कोऑर्डिनेशन की। ये क्राउन जो ना वो होते हैं
ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इस क्राउन की तरह का, इसको आपने क्राउन ईथर्स में शायद इसको कहीं पढ़ा हो, इनको क्राउन ईथर्स कहते हैं, ठीक है। क्राउन ईथर्स बेसिकली ईथर्स ही है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं जिन पे जो ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं मेटल के साथ, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला एक कंपाउंड है ये वाला, ठीक है, इसी तरह ये वाला कंपाउंड है। तो ये सारे मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, इनके अंदर बेसिकली क्या है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है उसके अंदर आपने मेटल को फिट कर दिया है, इनके अंदर उतनी ही कैविटी होती है कि जिसके अंदर मेटल पूरी आ सके, और वही मेटल आती है जो उस साइज के अंदर उस कैविटी के अंदर फिट आ सके, वही मेटल इनके साथ जो ना वो स्टेबल बॉन्ड बनाती है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर आपने अगर वो देखा हो कभी क्लोरोफिल का या हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम देखें तो वो कॉम्प्लेक्स जो ना वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें एक मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है वो एक मेटल के साथ जो ना वो लिगेंड बना रहा होता है, ठीक है जी। मुनीब आपसे क्वेश्चन ये करना था कि ये जो आपने पहले वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ जिसमें पीछे आपने पानी खेला सर, उसमें के इंसर्ट किस तरह से हुआ है? के उसमें कैविटी थी ना, ये पूरा एक जो ना वो आपके पास था स्ट्रक्चर, उसके दरमियान में खाली जगह थी, ठीक है, वो खाली जगह के ने पूरी की है सर। वो के किस तरह उस खाली जगह में गया ये पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि बाहर तो कंपाउंड लगे हुए ना C3 को तो स्टैटिक इफेक्ट पे क्रिएट करेंगे। बाहर का क्या कांसेप्ट आप ले रहे हैं, आप साइडों पे ले रहे हैं ना, ये है ये साइडों पे बने हुए हैं, दरमियान में जगह खाली थी वहां पे के चला गया, वो बंद तो नहीं हो गया ना मॉलिक्यूल, बंद तो नहीं ना हो गया वो, ठीक है।